एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब लोग इसी उम्मीद के साथ कि आप होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। मैं भी हूं मजे में। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को लेके जा रही हूं एक नए रेस्टोरेंट के अंदर और वहां का करेंगे हम आज प्रॉपर रिव्यू। फूड ब्लॉग होने वाला है ये, ठीक है। अफतारी मैंने कर ली थी, अफतारी हमने की थी बेसिकली थोड़ी सी। डिनर पे जा रहे हैं वहां पर प्रॉपरली, तो अभी जो है मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ और वहां पहुंच के बताती हूँ मैं आपको कि आज हम कौन से रेस्टोरेंट का रिव्यू करने लगे हैं और देखते हैं कि वहां का खाना कैसा है और टेस्ट कैसा है। तो जल्दी से चलते हैं। अभी जो है हम आ चुके हैं ताउस ग्रिल और ये है जी ताउस ग्रिल और ये लोकेटेड है गुलिस्तान जौहर के ऊपर, बिल्कुल जो है वो रेड एप्पल के पास है ये जगह, ठीक है। और अभी चलते हैं अंदर और अंदर चल के देखते हैं कि ये कैसा बना हुआ है। यहाँ पर जो है वो छोटा सा बना हुआ है बिल्कुल, बहुत ही डिसेंट सा एम्बियंस है इसका। बहुत ज्यादा जो है वो कोई फैंसी एम्बियंस नहीं है। अभी हम खाना वगैरह इसका टेस्ट करेंगे, फिर देख के बताएंगे आपको खाना खा करके है कैसा। अभी आप लोगों को मैंने वीडियो दिखाई थी तो आप लोगों ने उससे जो है इसका लोकेशन देख ली होगी कि ये कैसा है जी। तो यहाँ पर जो बेसिकली किचन है ना, वो किचन है आउटडोर इनका, ठीक है। और ये है इनका चाइनीज का स्टेशन। अभी जो है हमने चाइनीज के लिए ऑर्डर किए हैं चौमिन, तो उसके लिए जो है यहाँ पर लाइव कुकिंग होते हुए भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और बहुत ही हाइजीन का भी वो जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लव्स उन्होंने पहन दिए हैं। और अब जो है स्टार्ट होता है, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और चूल्हे शूल्हे जल चुके हैं यहाँ पर फुल ऑन, और जो है और यहाँ पर होने लगी है लाइव कुकिंग। जबरदस्त जबरदस्त, चाइनीज जो है ना वो फ्रेश फ्रेश खाने में ही मजा है। क्यों सर? और क्या आग निकल रही है, क्या जबरदस्त लग रहा है इस वक्त, ना पूछो। तो यार ये कोई स्पेशल रेसिपी है आपकी या फिर अच्छा डार्क सोया सॉस स्पेशल है आपका? तो सबसे ज्यादा क्या चलता है आपका चाइनीज में? अच्छा यही चलता है यार। वैसे इतनी आग में कैसे बना लेते हो ये तो बताओ। चाइनीज की बात जो है ना, ये फ्रेश फ्रेश ही मजा देती है। और ये क्या जबरदस्त, बिल्कुल तैयारी श्यारी हो रही है। आप कितने अरसे से हैं सर यहाँ पर? मैम 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। खुशबू बहुत ही ज़्यादा कोई मज़े की आ रही है और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट लगने वाला है इसका। देखने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। अच्छा जी, तो ये आ गए हैं हमारे मज़ेदार से चौमिन, ठीक है। और अभी जो मैं इसको ट्राई करती हूँ और फिर मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि कैसा बना है। लग तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा है और खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है। तो अब इसको ट्राई करते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा बना है। तो अब मैंने इसको ट्राई करने लगी हूँ, सारी वेजिटेबल्स वगैरह अच्छे से ले रही हूँ और अब ट्राई करते हैं और फिर बताती हूँ मैं आपको कि कैसा है। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही स्पाइसी से फ्लेवर्स आ रहे हैं इसमें और एक थोड़ा सा इसमें बारबेक्यू से टच भी आ रहा है। जब मैं सेकंड बाइट लेने लगी हूँ, सच में इट इज वेरी वेरी डिलीशियस। सारे फ्लेवर्स इसमें बहुत अच्छे से आ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं है, बहुत माइल्ड भी नहीं है, लेकिन टेस्ट बहुत मजे का जो है। जिशान साहब ट्राई करने लगे हैं इसको। इसको अच्छे से रोल करके एक बड़ा बाइट बना के ना, और इसको प्रॉपर चाइनीज टच आ रहा है इसका, मतलब सही मज़े का ऑथेंटिसिटी चाइनीज की ना। बाकी बहुत कम लोग बनाते हैं इसे चाइनीज, और नो डाउट फ्लेवर जो है ना अलग अलग आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार, हाँ बहुत ज़्यादा शार्प टेस्ट नहीं है, अच्छा टेस्ट है। ये देखो यार,
मतलब बारबेक्यू का जो शौक है ना तो बहुत एंड किस्म का हो रहा है, उसमें पानी भी आ रहा है। बाजी भाईजान क्या बन रहा है विराज? सर ये बारबेक्यू भी प्यारी है। अच्छा बन रहा है हमारा। अच्छा राइस प्लेटर जो होता है वो बन रहा है। अच्छा तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? फ्राइड लाइन में फ्राइड पेटीज होती है, चार मीट होती है लाइक बीफ दाग, बीफ कबाब है, मलाई कोटी, चिकन प्यारी, बीफ प्यारी। अच्छा मतलब सब चीजें डाली हुई है, सारा कुछ ऑल इन वन प्लेटर। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों की स्पेशलिटी है, सॉसेस वगैरह जैसे टॉप प्लेटर हमारा, ये स्पेशलिटी हमारी स्पेशलिटी है। तो ये ट्राई करना चाहिए या नहीं चेलना चाहिए? ट्राई करना चाहिए। चलो यार ये जो है इस वक्त ट्राई करते हैं बारबेक्यू प्लेटर इनका, और देखते हैं क्या खास बात है। तारीफें तो बहुत ज्यादा है, तो अब देखते हैं इसमें क्या स्पेशल बात है। और ये देखो यार इस वक्त बारबेक्यू का जो धुआं उठ रहा है ना तो बहुत एंड किस्म का हो रहा है, तो ना पूछो। और मुँह में पानी भी आ रहा है क्योंकि भूख बहुत टाइट लगी है। ये देखो क्रिस्पी पराठा निकल रहा है भाई, जबरदस्त किस्म का। मुँह में पानी आ रहा है इसको देख देख के, क्या गर्मा गर्म पराठा। आके भाई आए हुए इस बार और खाना खाने के लिए। आके भाई खाना खाने आए हैं? हाँ बुलाया यार किसी ने बुलाया है यार, गलत शरीफ इंसान है यार, ये कहाँ आते हैं यार। बाकी ये कि आगे भाई हमारे बड़े अच्छे जो हैं वो भाई हैं हमारे, और इनके साथ ये खतरनाक किस्म का बंदा है, इसे दूर आ करो। खाने पीने मामले में ना ये बिल्कुल चीज़ें डाउन कर देता है, बिरयानियों की चार प्लेटें ख़त्म, और मछली जो है ना स्पेशली मछली नहीं छोड़ता। आकिब जो है ना मछली नहीं छोड़ता मछली। एक बार मैं और आकिब गए थे किमाड़ी, और हमने जो है किमाड़ी जो है ना वो अच्छी खासी मछली खोल दी थी वहाँ से, नहीं खोल दी। ये आ गई भाई चिकन बिरयानी, और ये साथ में बीफ बोटी, और प्लस ये क्या है मलाई बोटी। यार मुँह में पानी आ रहा है इसको देख देख के, क्या मतलब मंदी स्टाइल टच है। और आ रही है कबाब, क्या प्लेटर इस वक्त हो गया तैयार। और ये साथ में कुछ वेजिटेबल से डेकोरेशन करने के लिए, ये वाह क्या बात है, क्या बात कर रहे हैं इसको ये क्रीम से बिल्कुल। यार मुंह में पानी आ रहा है इस वक्त देख देख के। और ये साथ में कौन सी सॉस है, ये आपकी, ये भी आपकी सॉस है जी। सॉस की क्या बात है, एकदम सीन ऑन है भाई। ओके गाइस तो ये आ गया है हमारा मज़ेदार सा बारबेक्यू प्लेटर, और अब जो है इसको ज़िशान साहब ट्राई करने लगे हैं, और ज़िशान जो है ट्राई करके बताएंगे कि कैसा बना है। अच्छा ये जो है मैंने लिया है मलाई बोटी, यार ये चेक करो, और पहले ये क्रीमी चावल के अंदर रख के, और साथ में प्याज भी इसके ऊपर रख के, फूड की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, फ्रेश फूड है। सीख कबाब के साथ जो है ना वो लगा के साथ में रायता बना के, और ये गया बहुत अच्छा, बहुत जूसी, समथिंग डिफरेंट और बहुत मज़े का। मैं ये कहूँगा कि ये एक प्लेटर पूरा का पूरा जो है ना इसमें तीन से चार बंदे मेरे ऐसे आराम से खा सकते हैं, इतना बड़ा प्लेटर। अब जो है मैं इसमें ट्राई करने लगी हूँ टेस्ट कैसा है इसका। मैंने बोटी भी ली है, कबाब भी लिया है, और ये इनका रायता भी ले लिया है, और बड़े कोई बड़ा सा बाइट बना रही हूँ मैं, और आप लोग बाइट चेक करो इसका, और अब मैं इसको ट्राई करती हूँ। कैसा है? मज़ेदार बहुत मज़े का है, बहुत ही अच्छा माइल्ड सा फ्लेवर आ रहा है, और टेस्ट भी अच्छा है, और डिफरेंट है थोड़ा सा, नॉर्मल पुलाव नहीं है लेकिन डिफरेंट पुलाव है, मज़े का। चेक तो यार ये बोटी ये इसमें आई रायते में, जबरदस्त किस्म की, और ये रायता चेक करो, रायता बहुत जबरदस्त है, रायता का टच बहुत टाइट है, चेक करो जरा डाल दो उसको, तो मैं कह रहा हूँ ऊपर डालो रायते को, ये क्रीमी रायता टाइप है, ये नॉर्मल रायता नहीं है, ये बहुत क्रीमी टच है इसका। और ज़िशान सब फुल एंजॉय कर रहे हैं।
भाई बहुत ज़बरदस्त सीन हो गया और अच्छा है ना, ये फुल क्रीम में डाल के और ये बॉडी, तुम लोग तो खाओगे नहीं, एक बार मैं जरूर खाऊंगा। मुंह में जाके भूल जाते, नेक्स्ट लेवल बोटी भाई, सही गली में ये मजा आ रहा है आपको, मजेदार है वाकई में। मगर यार वाकई में इधर अगर ये प्लेटर खान के आ रहे खाने के लिए आ रहे हैं ना, तो आपको तीन बंद चार बंदों के साथ आना, अकेले वाले का प्रोग्राम नहीं है ये प्लेटर। A few moments later. कीमे में आप लोग कुछ अपनी कोई रेसिपी सीजनिंग यूज होती है, सीजनिंग यूज होती है, कीमे को बना रहे हो। अच्छा इसमें आपने चीज़ की फिलिंग कर दी और साथ साथ को कोट कर दिया, कोट कर दिया, ओके। तो जब ये कटेगा ना तो बीच में चीज़ की एक गुल है भाई, ये आ गया ऑयल और इन्होंने अब जो ऑयल प्याज रख के इसके बीफ पैटी को हैवी ड्यूटी बीफ पैटी, और ये अगर आप देखें ना तो इसको ये बहुत ही कोई ह्यूज बीफ पैटी है, ये लग छोटा सा रहा है और है बहुत बड़ा जो है ना, ये बता रहे हैं ये लो फ्लेम पे बनेगा और फिर थोड़ी देर बाद जब ये अच्छे से इसका जो जूस जो है ना वो अंदर से जो ये कच्चा बने थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको हाई फ्लेम करेंगे ताकि ये ब्राउन हो जाए। और अगर आप देखेंगे तो मतलब वीडियो में शायद ये इतना विजिबल नहीं होगा, ये बहुत छोटा सा लग रहा है, मगर असल में ये बहुत ह्यूज पैटी है। मेरे सामने जब आएगा बर्गर बन के तो मतलब हैवी ड्यूटी बर्गर आने वाला है जी, फुल ऑफ फूड। यार ये बीफ अपना भी थोड़ा सा वो जो होता है फैट वाला बीफ यूज़ करते हैं आप लोग, एग्जैक्टली exactly? 10% फैट होता है ना, तो वो ज़रा टच जो असल आता है वो जूसी वो इसी वजह से आता है बीफ यूज़ कर रहे हैं ना, वो ज़रा थोड़ा सा मतलब प्योर बीफ यूज़ कर रहे हैं, मगर उसमें 10% फैट का लेवल है। तो रीज़न ये कहीं भी आप जाएंगे बीफ बर्गर जब आप खाएंगे तो उसमें फैट होना ज़रूरी है, ऑथेंटिसिटी वहाँ से ही आएगी, तो सही वाला जूसी मुँह में टच आया और चूई हो थोड़ा सा। ओके गाइस, तो ये आ गया है हमारा मज़ेदार सा बीफ बर्गर, देखने में तो बहुत ही ह्यूज है और बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है बर्गर, और अभी जो है इसको ट्राई करती हूँ और बताती हूँ आपको ट्राई करके कि कैसा है। आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम पे होगा आप लोगों का रोज़ा ज़रूर, ठीक है। तो अभी से मैं माजरत कर रही हूँ क्योंकि सब लोगों के मुंह में बहुत ही ज़्यादा पानी आने वाला है इस वीडियो को देखकर, और अभी जो है मैं इस बर्गर को ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा है ये बर्गर। ओके गाइस, तो ये है हमारा बर्गर और अब मैं इसका फर्स्ट बाइट लेती हूँ और बताती हूँ आप लोगों को। बहुत ही मज़ेदार है और ये जो चीज़ है ना इसकी मुँह में जाके बिल्कुल ही मेल्ट हो गई, बहुत मज़े की। प्लस जो इसका पैटी है वो बहुत ही ज़्यादा जूसी है, फ्लेवर्स बहुत मज़े के हैं एंड आई रियली लाइक इट। तो हम लोगों ने अभी बर्गर शर्गर जो है ना वो अपना ख़त्म कर दिया है, ये ख़त्म नहीं किया गया हमसे, अभी भी बच गया है क्योंकि खाना जो था लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था, लेकिन हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो ट्राई की हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिसकी वजह से पेट जो है ना वो भर चुका है, पता नहीं अब सैरी किस तरीके से होगी हम लोगों की। और अब जो है मैं आप लोगों को यहाँ की बेस्ट डील्स बताने लगी हूँ जो कि इन लोगों की रमज़ान की डील्स चल रही हैं, जिसमें आता है ऑल यू कैन ईट, आप लोग उसमें खा सकते हो चिकन बर्गर्स, प्लस आप लोग जो है इनके बारबेक्यू रोल्स खा सकते हैं, उसकी कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 650 रुपीज़, बाकी 11 ऑनवर्ड्स आप लोग जितना मर्जी खाना चाहें आप लोग वो खा सकते हो। प्लस जो मैंने एक बारबेक्यू प्लेटर अभी आप लोगों को दिखाया था उसकी प्राइस है 1200 रुपीज़, वो भी आप अवेल कर सकते हो रमज़ानों में 1200 रुपये का, रमज़ानों के बाद जो है वो उसकी प्राइस जो है वो हाई हो सकती है। और गाइज अगर आप लोग मेरा नाम यहाँ पर आकर मेंशन करोगे कि रुखसार जिशान के नाम से हमने वीडियो देखी थी, तो आप लोगों को मेरी तरफ से जो है यहाँ पर मिलेगा 10% डिस्काउंट, तो आप लोगों ने ज़रूर इस डिस्काउंट को अवेल करना है, तो देर किस बात की, जल्दी से आइए और अवेल करिए डिस्काउंट। और गाइज अगर आप लोग मेरा नाम यहाँ पर आकर मेंशन करोगे कि रुखसार जिशान के नाम से हमने वीडियो देखी थी, तो आप लोगों को मेरी तरफ से जो है यहाँ पर मिलेगा 10% डिस्काउंट,
तो आप लोगों ने जरूर इस डिस्काउंट को अवेल करना है, तो देर किस बात की, जल्दी से आइए और अवेल करिए डिस्काउंट। तो अब जो है मैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करूंगी और आप लोगों को छोटा सा एक रिव्यू दूंगी वीडियो ख़त्म करने से पहले कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बस एम्बियांस बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, लेकिन जो फूड का और जो है जो फूड की क्वालिटी है और जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो आप लोग ज़रूर आओ यहाँ पे और ज़रूर ट्राई करो एंड आई जस्ट लव इट, और मैं ज़रूर इसको जो है आगे रेकमेंड भी करूँगी और दोबारा आना भी चाहूँगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने लाइक कॉमेंट शेयर करना नहीं भूलना। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, टिल देन टेक केयर ऑल, बाय।